कराची के तट पर जब पाकिस्तानी खड़े होकर गाल बजा रहे थे, ठीक उसी समय इटली की कंपनियां माथे पर हाथ मार रही थी। पर 700 करोड़ रुपए उनकी झोली में आ चुके थे। बेहतर यही था कि अब पाकिस्तानियों को जुमे की नमाज के लिए आदाब कहकर चलता बने। मतलब ना तेल मिला और ना इमरान खान के निवेदन पर पाकिस्तानियों के बजते गालों की आवाज दुआ बनकर दुकान तक पहुंची। यानी चांद के झंडे वाले मुल्क को राहू ने बढ़िया तरीके से पोट डाला। वैसे बिना तहमत के मयूरासन करने वाला यह देश इससे ज्यादा ऊपर ना उठ सकता है और ना कभी सोच सकता है। इसकी वजह भी है, इन्हें जिस तरह की शिक्षा मदरसों में मिलती है वह उन्हें चारवाहा और आखेटक से बड़ा बनाने की काबिलियत रखती भी नहीं है। पर मामला अब उससे आगे पहुंच गया है। इमरान ने जो सुपंथ इंशाल्लाह कहकर दिखाया था, अब सारे पाकिस्तानी अपनी कमर पर तारपीन का तेल लगाकर उसे नए सिरे से जिंदा कर रहे हैं। अब इन भीख मंगे और निकम्मे पाकिस्तानियों को लगता है कि जमीन के नीचे बहुत कुछ छुपा हुआ है। वैसे भी ये जमीन से जुड़े लोग हैं। ग्रेविटी का नियम आइंस्टीन ने इन्हें देखकर ही बनाया था। आइंस्टीन को आभास हो चुका था कि मुगलों की असली पैदाइश एक दिन सुपन सनेही बनकर इस धरती की गहराई का पता लगाएगी। अब पाकिस्तानियों ने पंजाब प्रांत में इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को जगह जगह से खोदना शुरू कर दिया है। पंजाब प्रांत में इस वक्त बड़ी खुदाई चल रही है। पाकिस्तानी फावड़े कुदाले लेकर रात दिन मिशन खुदाई पाकिस्तान पर लगे हुए हैं। हालत यह है कि पूरे पंजाबी पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति है। भीख में अठन्नी पाने वाले भिखारी को कोई 60 पैसे दे दे तो वह सोचते सोचते किला तैयार कर देता है। इमरान खान ऐसा करिश्मा करने वाले अठन्नी पाने वाले भिखारी के बाद दूसरे महान पुरुष हैं। पर इनसे मान वे पाकिस्तानी हैं जो पंजाब में ईसाइयों की कब्रों पर इसलिए कुदाले चला रहे हैं कि उनमें मरने वाले के पास रखे थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं। इन सुपन सनेही पाकिस्तानियों ने एक पूरे ईसाई कब्रिस्तान की सारी कब्रें खोद डाली है। इधर इमरान खान इस्लामाबाद के गोबरयुक्त तबेले में अगले सपने के बारे में सोच रहा है, उधर मुर्दों की नींद हराम की जा रही है। मामला आगे बढ़ चुका है। ईसाइयों ने भी इन सुपन सनेही लोगों के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। वैसे भी इमरान खान के सामने कम मुसीबत नहीं है, यह एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। हालत यह है कि ओंकारा थाने के सामने ईसाइयों ने एक बड़ा प्रदर्शन करके पाकिस्तान को चेता दिया है कि पाकिस्तानियों की इस हरकत के बारे में ट्रंप बाबा को बताया जाएगा। इमरान ने कहा है वह ईसाइयों की भावनाओं को समझते हैं। जनाब ने यह भी कहा है कि उन्हें नई कब्रें बनाकर दी जाएगी। मतलब हम सही है, यह पुरुष वास्तव में बेहद महान है, इसलिए इसका नाम पाकिस्तान है। पर पाकिस्तान का यह खुदाईनामा यहीं पर खत्म नहीं होता। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग 26 फरवरी को भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक से काफी शंका में जी रहे हैं। इन लोगों को बहुत दिनों से मसूद अजहर नामक उस पिल्ले के दर्शन नहीं हुए हैं जो बीच बीच में भोंककर उनसे टुकड़ा मांग कर ले जाया करता था। इस बार ईद सिर पर आ चुकी है मगर मसूद अजहर नदारद है। पाकिस्तानियों को शक है, बालाकोट में मसूद का बैंड बच चुका है। वैसे 3 मार्च को जिस तरह इस पिल्ले के बारे में खबर आई थी उसे देखकर लगता है मसूद का तियापांचा हो चुका है। पाकिस्तानी सरकार कुछ बता नहीं रही है और मसूद अजहर की रूह में इतनी ताकत नहीं है कि वह जमीन की तरफ देख भी ले। यानी मामला बेहद रहस्यमय हो गया है। कुछ मेरे जैसे सामान्य लोगों का विचार है कि पाकिस्तानी कब्रों को खोदकर इस पिल्ले को ढूंढ रहे हैं। इन लोगों को संदेह हो सकता है कि सरकार ने गुपचुप तरीके से मसूद अजहर को ईसाइयों के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाकना कर दिया हो। वैसे यह बात बहुत लोगों को चौंका सकती है कि सारे प्रतिबंधों और सरकार को धता बताकर बीच बीच में उछलने वाला मसूद अजहर आखिर इतना खामोश क्यों है। कहीं मसूद अजहर सदैव के लिए खामोश तो नहीं हो गया है। पाकिस्तान के जिस अस्पताल में उसका इलाज होने की बात कही जा रही थी उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पाकिस्तानी सरकार का कहना था उसका पिल्ला बीमार है और किडनी की समस्या से जूझ रहा है, मगर लगता है इस दहशतगर्द की किडनी उसका साथ छोड़ चुकी है। शायद तभी पाकिस्तान को लगा होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मरे हुए चूहे को कोई भी तमगा दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान अपने पाले उन आतंकवादियों का हौसला बनाए रखने के लिए मसूद अजहर के बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं कर रहा है। पर कब्र खोदते पाकिस्तानियों को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें जरूर अपने इस आतंकवादी हीरो की तलाश है। पाकिस्तान के चेहरे पर उड़ती हवाइयां और एयर स्ट्राइक को झूठा साबित करने की कोशिशों के चलते इमरान सरकार मसूद अजहर के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मसूद मारा गया या बच गया यह जानने के लिए पाकिस्तानी बेचैन है। लेकिन अब यह भी निश्चित हो चुका है
कि मसूद अजहर दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान एक दिन फिर से ऐसा ड्रामा करके दिखाएगा कि मसूद अजहर बीमार था और वह चल बसा। बेवजह में गाल बजाने वाली पाकिस्तानी जनता को वह कभी नहीं बताएगा कि मसूद अजहर कैसे मारा गया। मतलब साफ है, पाकिस्तानियों का काम अब कब्रें खोदने का ही रहेगा। मोदी सरकार फिर से आ रही है, उन कब्रों में किसे लिटाना है, शायद इस बार आंकड़ों की फेरिस्त भी लंबी होगी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।